Alright guys, welcome back to another episode of Forza Horizon 5 and हम लोग यार अपनी Bugatti Chiron में guys यार sound सुन रहे हो भाई completely modified मैंने इसे सोने की Bugatti बना दिया है and हम लोग पहाड़ों के बीच वाले Horizon Rush में and आज guys हम लोग खरीदने वाले एक ऐसी कार, ये एक Aston Martin की कार है guys जो कि यार कोनी से जेस्को से भी ज्यादा फास्ट है। ठीक है तो मैं उस गाड़ी को दिखा देता हूँ कैसी दिखती है ताकि आप लोगों को पता चल सके वो गाड़ी दिखती कैसे है। ठीक है तो ये वो है एस्टन मार्टिन वेलकारी AMR। ठीक है दिखने में नाम में थोड़ा सा अजीब है लेकिन मेरा जो हैंडल का नीचे है वो देखो यार ये है एस्टन मार्टिन वेलकारी AMR। ठीक है ये गाड़ी को यार खरीदना बहुत ज्यादा मुश्किल है, वन ऑफ दी महंगी कार। इस एक गाड़ी को अगर मैं बेचूंगा ना भाई 50 से ज्यादा जेस्को आ जाएगी। सो यार फिलहाल यार अपन अपनी Bugatti Chiron में निकलते हैं भाई। पावर बहुत ज्यादा डलवा दिया यार मैंने इस गाड़ी पे, बट खैर कोई ना, गाड़ी में दम बहुत ज्यादा है एंड आज यार सुहाना सा मौसम भी है। दूसरा गियर, तीसरा गियर एंड चौथा और स्पीड ऑबिट तेरी आराम से। यार मैं बहुत दिनों बाद Forza खेल रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा फील आ रहा है, बट ठीक है। तीसरा गियर लेट्स गो, चौथा यार स्ट्रेट रोड है भाई लेकिन लेट्स गो। गाड़ी टॉप स्पीड ना आपने कितनी जाती है, ओके आई गेस 450 भाई। ओके लेट्स गो, छठवा गियर लग चुका है गाइस एंड ढलान आ रहा है। ओके मोड़ भी आ रहा है, मोड़ भी आ रहा है, ओ माय गॉड ब्रेक 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 आराम से। पांचवा गियर, छठवा गियर एंड ड्रिफ्ट आराम से। पांचवा, चौथा, तीसरा, ठीक है चौथा, पांचवा, लेट्स गो छठवा। तो गाइस यार छठवा सातवा को छोड़ो यार, आज हम लोग जो एस्टन मार्टिन खरीदने वाले हैं ना वो खरीदने भी नहीं वाले एक्चुअली यार, उसको लेने के लिए हमें कुछ कुछ मिशंस करने पड़ेंगे। ठीक है एंड आखिरी में जा करके भाई क्या ड्रिफ्ट मारी है गाड़ी यार, बट क्या Bugatti यार ड्रिफ्ट मारने के लिए नहीं बनी है। तो ऑफ कोर्स मैं अगर इसमें ड्रिफ्ट वगैरह मारूंगा तो गाड़ी डेफिनेटली डैमेज होने वाली है। ओके तो हम लोग यार ये Bugatti Aston Martin वेलकारी AMR को खरीदने के लिए रेसेस लगाने वाले हैं एंड सबसे पहले तो मैं जा रहा हूँ अभी यार आसपास के स्टोर में। ठीक है बिकॉज देखो नई नई गाड़ियाँ ऐसी आती है ना तो ये बहुत लिमिटेड एडिशन आती है, मतलब देखो 100 में से एक या दो लोगों के पास ये गाड़ी होगी राइट, तो उन जो बहुत कम लोग हैं उन लोग क्या करते हैं इस गाड़ी को बेचने लग जाते हैं क्योंकि ये बहुत लिमिटेड गाड़ी है, बहुत कम लोगों के पास है तो इसके बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। ठीक है तो वो बंदे जा कर के लोकल मार्केट में इस गाड़ी को बेचते हैं एंड अगर वो गाड़ी मिल जाएगी अपने बजट में तो यार मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लोग उन्हीं लोग से खरीद लेंगे। नहीं तो एक और रास्ता है इस गाड़ी को फ्री में पाने का, वो है मिशंस। ठीक है मिशंस करके एंड मेरा मन नहीं है भाई मिशन करने का क्योंकि मिशन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है भाई एंड टाइम अपने पास है नहीं क्योंकि यार वी आर द बिलियनेयर। ठीक है अपने पास पैसों की कमी है क्या ब्रो। ठीक है तो फिलहाल यार मैं जदकद भगाना बंद करता हूँ। ओके गाड़ी पे यार कीचड़ में रुकते हैं, गाड़ी की हालत थोड़ी सी गंदी नहीं यार, क्या चमक रही है भाई Bugatti यार पानी गिरने के बावजूद भी भाई, बट खैर गाड़ी को निकालते हैं एंड लेट्स सी पास में मार्केट वहाँ पे। ओके तो गाइस यार ये रहा अपना स्ट्रीट Horizon स्ट्रीट को, इसको मार्क करते हैं, यहाँ तक हमें चला के जाना होगा और मैं ये गाड़ी लेके नहीं जाऊंगा ना, ये बहुत ज्यादा तेज है यार Bugatti से। अच्छा भाई मेरे को लगता है Lamborghini Sesto। ठीक है तो Lamborghini Sesto निकालते हैं, किधर है भाई किधर Aventador और नहीं भाई, ये देखो यार मैंने क्या Aventador और मॉडिफाई किया फिर भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है ये रही गाइस यार अपनी Aventador भाई, क्या ही लग रही है यार, मैं आपको इसका साउंड सुनाता हूँ, रुक जाओ ध्यान से इस गाड़ी का साउंड सुना, गाड़ी न्यूट्रल पे है एंड अब सुनो भाई भाई मैंने एक थ्रॉटल दिया एक बार ऐसे रेस, नीचे जो पैर का पैडल है आप देख नहीं पाओगे तो वहां मैंने एक बार थ्रॉटल दिया। गाड़ी की साउंड सुनो भाई, गाड़ी पहला गियर मांगने के लिए तरस रही है, बट अपन दे देते हैं, लेट्स गो भाई कुछ ज्यादा हल्ला कर रही है भाई, मेरे को थोड़ा गेम का आवाज कम कर रहा। तो यार ये गाड़ी मेरे पास है, इसको लेकर के फटाफट से चलते हैं, दूसरा गियर, तीसरा गियर एंड ड्रिफ्ट भाई, कीचड़ में ना धुआं नहीं निकलता यार ड्रिफ्ट करते समय, तो ये एक दिक्कत है, बट खैर मिशंस एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या मिशंस करने पे ये गाड़ियां मिल रही है, अगर सस्ते में मिल जाएगी बहुत कम मिशंस पे तो मैं कर लूंगा। देखो ये एस्टन मार्टिन वेलकारी AMR लेने के लिए हमें करने पड़ेंगे टोटल 20 पॉइंट सीजन रिवॉर्ड के। ठीक है मेरे पास 2 पॉइंट ऑलरेडी हो चुके हैं एंड ये देखो कुछ पॉइंट है यहाँ पे, Forza डेली चैलेंजेस, लिक ऑफ पेंट, पेंट द बॉडी ऑफ एनी Lamborghini। ओके मुझे कोई एक Lamborghini को पेंट करना होगा, मेरे पास अभी Lamborghini Sesto है राइट, आई गेस आप लोग नहीं पढ़ पा रहे। अब देखो मेरा माउस पॉइंटर दिख रहा है ना, ये देखो मैं स्क्रोल कर रहा हूँ, यहाँ पे लिक ऑफ पेंट, मुझे Lamborghini को पेंट
कंप्लीट करना है एक बार। उसके नीचे इक्विप एनी रेसिंग ग्लव्स, मुझे अपने बंदे को एक रेसिंग ग्लव्स पहनाना है। एंड उसके नीचे ओवर 1 मिलियन अर्न 2 स्टार एट डेंजर साइन इन द 2011 BMW 1 सीरीज M कूप। अच्छा 2011 की BMW मुझे खरीदनी पड़ेगी, वो भी सीरीज 1 की, वो भी M कूप। भाई कितनी पुरानी, लेकिन खैर अच्छी दिखती है वो, मैं समझ रहा हूं कौन सी है। उसमें मुझे डेंजर साइन में 2 पॉइंट्स लाने पड़ेंगे, मैं बताऊं डेंजर साइन मतलब ये है, रुको मैं दिखाता हूं। जैसे कि ये मैप है राइट, इसको कहते हैं डेंजर साइन, जिसमें मेरा 3 का 3 स्टार है, इसमें मुझे 2 स्टार लाना है, जो कि भाई चुटकी में तुम्हारा भाई ला देगा यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी और क्या पॉइंट है, रुको। विन अ स्ट्रीट रेस इन एनी रेनॉल्ट, अच्छा कोई रेनॉल्ट की गाड़ी में मुझे रेस जीतनी है, और अर्न एन ऑसम एयर स्किल इन 2015 की वॉल्वो V60 पोलस्टार। ये देखो यार, ये कचड़ा मिशन करने का मन नहीं करता। रेनॉल्ट की गाड़ी में मुझे रेसेस जीतनी है, वॉल्वो की गाड़ी में भी, और रेनॉल्ट की गाड़ी में एक फोटो भी खींचना है। भाई सस्ता मिशन दे रहे हैं यार, यही सब तो करने का मन नहीं करता है मुझे भाई। बट खैर, लैम्बोर्गिनी का मुझे पेंट चेंज करवाना है, आई मीन कुछ भी, कोई भी एक लैम्बोर्गिनी का मुझे पेंटिंग करवानी है, देन उसके बाद मुझे एक पॉइंट मिल जाएगा। सो आराम से चलते हैं, लेट्स गो। हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे यार हमें पता भी चल जाएगा कि ये जो अस्टन मार्टिन AMR वेलकाई जो भी नाम है इसका, वो अगर फ्री आई मीन सस्ते में मिल रही होगी तो डेफिनेटली मैं खरीदूंगा। बाकी इधर जंप कब से बन गया भाई, लेट्स गो। डैम ब्रो, क्या लंबा जंप था भाई, सीधा स्टेडियम के अंदर भाई साहब। थोड़ा ओवर जंप नहीं हो गया यार, मेरे को ऐसा लगा कि इतना लंबा कैसे कूद गई भाई, मेरे को तो लगा आधे में उतरेगी। भाई ये गाड़ी कुछ ज्यादा ही उछल रही है यार, कुछ ज्यादा ही भाई, ये बहुत ज्यादा अनरियल जंप नहीं हो गया। फोर्जा पे मैंने हर चीज देखा है, ग्राफिक्स से लेकर हर चीज बहुत ज्यादा रियल रहता है, लेकिन ये जंप भाई मुझे बहुत ज्यादा नकली लगे। यू नो यार, यार मैं उतना स्पीड में ही नहीं था कि भाई गाड़ी इतना लॉन्ग जंप ले यार। व्हाट द हेल इज हैपनिंग इन द फोर्जा भाई, क्या हो रहा है, आप लोग यार ध्यान नहीं दे रहा क्या फिजिक्स पे भाई। ओके लेट्स गो, कोई बात नहीं यार, फिर भी अपना ही फायदा है, अपन तो अपनी एवेंजर को फुल मॉडिफाई करवा करके चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चौथा गियर लगाओ यार, इसमें यही तो दिक्कत है, चौथा लगाता हूँ छठवा लग जाता है यार, गाड़ी की हालत खराब होती है भाई। लेट्स गो, लेकिन यार वी अराइव्ड एट आवर फेस्टिवल आउटपोस्ट होराइजन स्ट्रीट। चलो यार यहाँ पे आ चुके हैं, अभी हमें यहाँ से पता करना है कि वो जो अस्टन मार्टिन वेलकाई है वो अगर सस्ते में मिल रही होगी तो आई एम गोना बाय डेफिनेटली भाई, अगर यहाँ पे सस्ते में मिल रही होगी। ठीक है तो यहाँ पे बात करते हैं, लेट्स गो। ऑलराइट यार, फर्स्ट ऑफ ऑल यार उस गाड़ी का नाम है अस्टन मार्टिन वेलहला, आई मीन वेलहला तो भाई मूवी का नाम है। बट खैर सबसे पहले मुझे इस गाड़ी का कैरेक्टर चेंज करना है, जैसे कि मैंने पढ़ा था हम लोगों को अपने इस बंदे में एक ग्लव्स पहनाना है। ठीक है, इसके हाथों में पैर में ग्लव्स पहना दो क्या भाई, आई मीन हाँ रेस वाले ग्लव्स जो होते हैं वो पहनाने हैं, फेस विस्ट। ओके ये हाथ हो गया, हैंड क्या है, ये रहा रेसिंग ग्लव्स, ये रेसिंग है ना, हाँ देखो रेस ग्लव्स हो गया। चलो भाई मैं ये पहनाता हूँ, जो कि बहुत ज्यादा गंदा लग रहा है, मजाक सेट के भाई। और कोई अच्छा नहीं है क्या, ओके हुनिगन का यार, लेकिन बहुत महंगे महंगे ग्लव्स हैं, ये लगाते हैं जर्मन रेस ग्लव्स। बाकी कपड़े मैंने बहुत गरीब वाले पहना रखे हैं यार। ओ ओ भाई ये पहनाएंगे ना मेरी जान, ये पहनाओगे, अबे तेरी कितना गंदा लग रहा है, ये लग रहा है भाई जेंटलमैन ब्रो। और मैंने बाल भी नीला कर रखा है, बोल के और सही लग रहा है भाई, ये क्या, अबे नहीं 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 गाइस, ये बहुत सही लग रहा है यार, हॉट व्हील्स का सूट। बाकी इमोट ये वाला अभी पहनना ब्रो, पैसे है ना मेरे पास, हाँ चलो ये पहनेंगे ना भाई। ग्लव्स मैंने पहनाएगी नहीं, ओके मैंने पहना तो दिया लेकिन हाथ में दिख नहीं रहा है। बाकी शकल वगैरह में मास्क वगैरह नाक वगैरह तो नहीं पहनाने वाला मैं। ओ भाई ये भी अच्छा दिख रहा है यार, लेकिन नहीं बिना मास्क के सही लग रहा है। बाकी चलो एक मिशन मैंने कंप्लीट किया, अब बारी आ जाती है अपने लैम्बोर्गिनी को पेंट करने की। ठीक है तो पेंट कार मुझे जाकर के पेंट करना पड़ेगा, कुछ नया कलर देना पड़ेगा तब जाके होगा। ओके ये मेरी स्टॉक लैम्बोर्गिनी की कलर है, अपन इसको एक नया कलर दे देते हैं ताकि मिशन के लिए हो जाए। भाई ग्रीन कलर दे क्या ब्रो, सही लग रहा है यार ग्रीन भाई। ओके ब्लू भी बहुत सही यार, क्या प्यारे प्यारे कलर है भाई। ओ भाई ग्रे सही लग रहा है मुझे यार, ये कलर कैरामल टाइप का, या और कोई शाइनी में कलर है क्या। ओ भाई नहीं नहीं ये नहीं। रुको छाटते हैं, ये कलर मुझे बहुत सही लग रहा है यार, ये कलर और ये नीचे वाला रखते हैं, ये सही लग रहा है। बाकी साइड मिरर अपन स्पॉइलर का भी कलर चेंज कर सकते हैं क्या, अच्छा ये पीछे का कलर चेंज है, इसको ब्लैक कर देगा भाई। यार सही है भाई, अपन एक एक गेट अलॉय व्हील भाई साहब, कैलिबर का कलर ट्रांसपेरेंट, अपन इसको भी चेंज कर सकते हैं, देखो इसको भी ग्रीन कर दूंगा तो ऐसा दिखेगा। चलो ठीक है यही कर देते हैं फिलहाल के लिए बिकॉज ये मिशन के लिए करना पड़ेगा मुझे, अगर फ्री में मुझे ये अस्टन मार्टिन चाहिए तो। ठीक है पैसे बचाने हैं तो ठीक है, ये हो गया। हाँ आई नो गाइस बहुत टट्टी लग रही है। बाकी अब देखते हैं वो जो अपन एस्टन मार्टिन खरीदने वाले हैं उसका रेट क्या है। ये जो देख रहे हो ये लोकल मार्केट है, ऑटो शॉप मतलब नई गाड़ियां जो आती है, अगर यहाँ पे वो गाड़ियां बिक रही होगी तो मैं डेफिनेटली यहीं से खरीदूंगा, नहीं तो भाई कहीं और से खरीदेंगे। ये देखो एस्टन मार्टिन के सेक्शन है, ये रहा एस्टन मार्टिन लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे खाली भाई अच्छा है गाड़ियां तो बहुत सारी है, लेकिन यहाँ पे वो वाली नहीं है जो हम लोग ढूंढ रहे हैं, AMR। ठीक है AMR वेलकाई वो है ही नहीं यहाँ पे यार, देख रहे हो मतलब वो गाड़ी नए मार्केट में है ही नहीं, मतलब अगर आपको नई खरीदनी है तो आप खरीद ही नहीं सकते, आपको खरीदना है तो सेकंड हैंड खरीदो या तो मिशन करके
करके नहीं खरीद लो। लेकिन खैर एक और ऑप्शन है सेकंड हैंड मार्केट, ये जो ऑक्शन देख रहे हो मतलब यहाँ पे बोरी लगती है गाड़ियों के। तो आपको अगर आपका बजट है, अगर आप अमीर आदमी हो जो कि अपन ऑफ कोर्स है ठीक है, तो हम लोग वो गाड़ी को खरीद सकते हैं राइट। यही बात है। बाकी यार ये रही वो गाड़ी AM वेलकरी। ये गाड़ी कितने की है? अच्छा ये कोई बेच रहा है कि नहीं यार? ओके ये वेलकाई है जो कि यार गेम में ऑलरेडी है ठीक है, और ये बहुत सस्ते में। लेकिन अपने को वेलकाई नहीं चाहिए, अपने को चाहिए वेलकाई AMR, ये वाली चाहिए। देखो ये एस्टन मार्टिन वेलकाई वेलकराई जो भी पढ़ेंगे वेलकराई AMR है, और ये वेलकराई है। वेलकराई जो है नॉर्मल वाली वो 1 मिलियन के नीचे की है, और वेलकराई AMR ये पक्का। शर्त लगा लो भाई मेरे साथ, अगर मैं सही प्रेडिक्ट किया, मैंने अभी तक देखा भी नहीं है, मेरे हिसाब से ये गाड़ी होगी 10 मिलियन के ऊपर होगी, 10-15 मिलियन के बीच में होगी ठीक है, नहीं 10-20 मिलियन लेके चलो, 10-20 मिलियन के बीच में, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगी है, बहुत रेयर कार है, नई नई आई है, बहुत कम लोगों के पास है, तो बहुत ज्यादा सस्ते में मिलेगी। आ जाओ, आई मीन महंगे में मिलेगी, आ जाओ देखते हैं। मैंने बोला था गाइस ये गाड़ी का रेट देखो भाई, 20 मिलियन CR भाई, डैम भाई कितनी सारी जेस्को आ जाएगी गाड़ी पे। वैसे गाड़ी का लुक भी बेदम सही लग रहा है यार। ओके गाइस ये गाड़ी का लुक भी बहुत ज्यादा ही तगड़ा लग रहा है भाई। कौन सी लूं भाई, क्या बोलते हो गाइस यार? ब्लैक रंग में नहीं, ओ भाई कार्बन फाइबर भाई, ये सही लग रहा है। ये एक भी बंदा 20 मिलियन के नीचे नहीं बेच रहा, सारे बंदे 20 मिलियन भाई। ये वो लोग हैं जिन लोग को लकीली ये मिल गया, और या फिर उन लोगों ने मिशन कंप्लीट किया था। बट वही बात है ना कि भाई पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे जैसे अमीर लोग अगर ये गाड़ी खरीद लेते हैं, मैं अमीर नहीं कह रहा, गेम में अमीर हूँ ठीक है, तो यार अगर मैं गाड़ी खरीद लेता हूँ तो सामने वाले को 20 मिलियन मिल जाएंगे ना, तो उसका फायदा है। तो यार ऐसे चलता है मार्केट रियल लाइफ की तरह, लेकिन ये गेम है एक्चुअली, मैं रियल लाइफ में गरीब हूँ ठीक है। आगे देखते हैं, तो हम लोग कौन सी खरीदे यार, कोई सस्ता देख ही नहीं रहा भाई, सब तो महंगे दिख रहे हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, ऊपर चलते हैं ठीक है, क्योंकि ऊपर में सबसे ज्यादा बिड लग रहा होगा, एंड ऊपर में ज्यादा मॉडिफाइड गाड़ियां होती है। ये देखो एक्स है मतलब ज्यादा मॉडिफाइड है, ये बात है, मतलब खर्चा किया है उसके ऊपर मॉडिफाई करके बंदे ने जो बेच रहा है। तो हम लोग खरीदेंगे पीली वाली तो नहीं, ब्लैक में कोई नहीं है क्या? अच्छा ये बिक गई भाई, येलो, अच्छा यही खरीदता हूं यार, ग्रीन में, ये स्टॉक कलर है, देख के लग रहा है बंदे ने आज ही निकाली है और आज ही बेच रहा है। बट खैर हियर्स द कार्स गाइस, लेट्स परचेस दिस कार, लेट्स गो। खरीद चुका है तुम्हारा भाई यहाँ पे, कलेक्ट द कार, लेट्स गो। चलो भाई गाड़ी तो मैंने खरीद ली, आ जाओ देखते हैं। भाई जो बंदे से हम लोगों ने खरीदा था उसके पास तो हम लोगों ने ग्रीन कलर की खरीदी थी, मेरे को ब्लैक कलर की क्यों मिली है यार? और ब्लैक कलर की मुझे मिली है, और ये गाड़ी का रेट देखो 4 मिलियन का है भाई। क्या स्कैम हुआ है? बंदे वहाँ पे 20 मिलियन में बेच रहे, मिल रहा है मुझे यहाँ पे 4 मिलियन में, भाई स्कैम है ब्रो ये तो। बट खैर आ जाओ चला के देखते हैं। ओ भाई क्या दिख रही है भाई, एक बार लुक देखो तो गाइस यार, गेट ऊपर उठता होगा पक्का। ओ भाई स्पेसशिप वाला इंटीरियर है, खाली एक ही बंदा बैठ सकता है, और नहीं दो बैठ सकते हैं, और सीट तो पूरा जमीन छू रहा है भाई, ऐसा लग रहा है यार नीचे तो। ओ भाई कार्बन फाइबर बॉडी है पूरा यार, सीट देखो ना पूरा ऐसा लग रहा है जमीन नहीं टच कर रहा होगा यार सीट, है ना, नीचे का सीट देखो पूरा ऐसा लग रहा है यार, जो जो हम लोग का कुल्लू है वो जमीन टच कर रहा होगा भाई, ऐसा फील आ रहा है, मतलब ऐसा हम लोग घुस के बैठ जाएंगे लग रहा है यार ठीक है। तो ये है यहाँ पे पेट्रोल का वो है, बाकी यहाँ पे लॉक होता है गाड़ी, और AMR भाई पीछे का वो देखो यार स्पॉइलर है कि क्या है ब्रो, भाई कितना खतरनाक लग रहा है भाई ये गाड़ी का यार। एग्जॉस्ट वगैरह भी देख रहे हो, दो एग्जॉस्ट है, वो भी ओपन एग्जॉस्ट है, मतलब कह लो ये आग छोड़ेगी पूरी की पूरी, ऐसे निकलेगा आग ठीक है। और कौन सा इंजन है वो देख सकते हैं, अच्छा खुलेगा क्या पीछे? V12 होगा आई गेस, इलेक्ट्रिक बस ना हो भाई, जो भी हो इलेक्ट्रिक बस ना हो ठीक है। चलो इसको निकाल के देखते हैं आई गेस यार। ओ भाई ये तो कुछ और ही लगा हुआ है, पता ही नहीं चल रहा क्या लगा हुआ है। ओके कार्बन फाइबर एस्टन मार्टिन का इनबिल्ट कुछ इंजन लगा हुआ है, आई गेस V10 होगा या V12 नहीं, वैसे टाइप का ही कुछ होगा ठीक है। बाकी यार पीछे तो सही लग रहा है मुझे, और ये ट्रैक आ रहा है ये देख के पता चल रहा है ये रोड लीगल नहीं है, आप लोग इस गाड़ी को कभी रोड में नहीं चला सकते भाई। क्या दिख रही है भाई ये गाड़ी, स्पेसशिप लग रही है भाई, मजाक से हटके भाई नेक्स्ट लेवल लग रही है ये कार। डैम ब्रो लुक एट द ब्यूटी भाई क्या ही दिख रही है, मन कर रहा है बैठ के ना सही रहो यार, मतलब इतनी अच्छी गाड़िया भाई रोड में नहीं चला सकते आप लोग यार, ये स्ट्रीट लीगल नहीं है, भले आपके पास कितने भी पैसे हो आप इस गाड़ी को रोड में नहीं चला सकते ठीक है। बट कह रही है अभी स्टॉक है, तो एक बार स्पीड टेस्ट करते हैं, देन उसके बाद इस गाड़ी को मॉडिफाई करके ट्राई करते हैं कि यार ये गाड़ी इतनी ज्यादा फास्ट हो सकती है, एंड क्या ये जेस्को को हरा सकती है। लेट्स गो। ऑलराइट गाइस यार वी आर ऑन द स्ट्रीट, और रात हो रही है, एंड यहाँ का माहौल देखो भाई क्या लग रहा है। मैं रात में बहुत कम माहौल दिखाता हूँ, बट स्टिल यहाँ का माहौल दिखाने लायक बोल के दिखा रहा हूँ। बाकी आपको मैं गाड़ी का साउंड सुनाता हूँ, आ जाओ गाड़ी, अच्छा गियर वाली गाड़ी है, लेट्स गो। कितने गियर है? ये न्यूट्रल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अच्छा 6 गियर है ना, परफेक्ट। 1, 2, 3 ये हो गया 3, इसका हाथ को देखो ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये हो गया 4, ये हो गया 5, और ये हो गया 6 ठीक है। कह रहा 6 गियर की कार है, और आगे नहीं जा रही गाड़ी ठीक है।
छह ग्यारह परफेक्ट। एंड गाड़ी का साउंड, गाड़ी न्यूट्रल पे, ये सुनो ठीक है ध्यान से भाई। बहुत ज्यादा ही लाउड नहीं लग रही गाइस आप लोगों को गाड़ी? यार मेरे को ऐसा लग रहा है ये गाड़ी को जब मैं मॉडिफाई करूंगा ना ये बहुत तगड़ी से मॉडिफाइड होगी। देखो मेरा खत्म हुआ ना, मैंने जो दो दो चीजें की आज वो मेरा खत्म हुआ। रुको मैं चेक कर लेता हूँ, फेस्टिवल इवेंट है, हम लोगों ने क्या क्या किया आज। ओके ये देखो चार पॉइंट हो चुके हैं, मैंने जो जो कंप्लीट कर किया था वो शायद हो गए होंगे यहाँ पे। बट इसका क्या ही मतलब है, मैंने तो गाड़ी खरीद लिया, पैसे बच गए काइंड ऑफ कह लो। ये देखो मैंने दो कंप्लीट कर दिया था यार, ये सब हो सकता है पता है। हम लोग अगर रेस वगैरह करते जाएंगे ना तो सारी रेसेस हो सकती है और पैसे भी आराम से मिल सकते हैं। बट खैर इसमें आओ तो यार एक बार अपना मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो तो नहीं ढूंढा। बट खैर ये गाड़ी, ओ भाई गाड़ी का पिकअप बहुत ज्यादा नहीं है गाइस। आज एक बार ड्रिफ्ट ट्राई करते हैं इसमें। ओके मैं यार ट्रैक कार में ड्रिफ्ट करना चाह रहा हूँ भाई। नहीं होगा, ठुक जाऊंगा मैं। ओके चल भाई हैंड ब्रेक के साथ तो कर ले भाई, गाड़ी की फट जा रही है ब्रो। मैं इस पे नया इंजन लगाऊंगा गाइस, गाइस गाइस मैं इस पे नया इंजन लगाऊंगा एंड इस भौकाल को अपन भाई वो जो गाड़ी बनाने वाले ना रुको। ओके ओके हर ड्रिफ्ट तो कर रही है लेकिन बहुत हैंड ब्रेक ना, ये वो वाला गाड़ी नहीं है ना, ये कैसी गाड़ी है पता है, जो फॉर्मूला वन की गाड़ियाँ होती है, बुगाटी बॉलिडे होती है, उस टाइप की गाड़ी है ठीक है। कंट्रोल देख के पता चल रहा है लाइक साय से वो नहीं दे रही ना, वो गाड़ियों का ऐसी रहता है ठीक है दम ना। ये गाड़ी में देखो होता क्या है ना, जैसे पहले गियर में दिया देखो उसका जो स्पीडोमीटर है कितना जल्दी स्टॉप पकड़ लिया भाई। अगर वो स्पीडोमीटर पूरा मतलब देखो फटफट जाएगा, दूसरा तीसरा चौथा मतलब बहुत स्पीड में गियर चेंज करना पड़ेगा। मुझे ये गाड़ी में ये दिक्कत है, ये स्टॉक है बोल के उतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा आप लोगों को, लेकिन जब ये मॉडिफाइड कर लूँगा ना मैं तब आप लोग बोलोगे भाई क्या गाड़ी खरीदी है ट्रैक्स भाई। मतलब ये गाड़ी आराम से हरा सकती है यार, मजाक से हटके अब मेरे को थोड़ा फील आ रहा है कि यार आराम से हम लोग यार इससे जेस्को को हरा सकते हैं। बट स्टिल डिपेंड अगर जेस्को किस हालात में और ये गाड़ी कितना ज़्यादा मॉडिफाइड होती है। बाकी यार माहौल तो यहीं पर ही है फुल यार नियॉन नियॉन वाला, बाकी गाड़ी ड्रिफ्ट कर ले तो मज़ा आ जाए। अरे ठुक गई यार मेरे को लगा निकाल दूंगा मैं, बट खैर अभी गाड़ी मेरे हाथ पे नहीं है, सुबह होने का वेट करते हैं देन उसके बाद इस चमत्कारी गाड़ी को मॉडिफाई करते हैं भाई। देखो यार देखो क्या लुक है भाई, क्या ही लुक है भाई, पीछे का देखो यार ऐसा लग रहा है गाड़ी नंगी खड़ी है भाई, मतलब कुछ है ही नहीं, लगा ही नहीं है लग रहा है यार। ये देखो भाई ये इसको कहते हैं पावर भाई। ओके बस वही है कि यार गाड़ी मेरे हिसाब से चल नहीं रही है, स्ट्रेट चलाने वाली गाड़ी है ना, ऐसा ऐसे ये ट्रैक कार है तो हम लोग इसको अपने हिसाब से जत कत नहीं भगा सकते, इट्स जस्ट अ ट्रैक कार, तो हम लोगों को थोड़ा संभल के चलाना होगा। मुड़ जा यार ओके नहीं मुड़ गई यार, बट खैर ठीक है अच्छी गाड़ी है, इट्स अ नाइस कार बट स्टिल। ओके भाई पावर तो है बट खैर मैं ज़्यादा आप लोगों को टाइम पास नहीं कराऊंगा, मैं आपको मिलता हूँ सुबह होने के बाद इसकी स्पीड टेस्ट करने। लेट्स गो। ऑलराइट गाइस यार सुबह हो चुकी है बहुत देर वेट करने के बाद, बट खैर हियर इज द लुक एंड वैसे भी बारिश हो रही है यार एंड मैंने आपको इसका इंटीरियर नहीं दिखाया ना भाई, तो ये है इसका इंटीरियर, कार्बन फाइबर स्टीयरिंग भाई डिटो मेरे हाथों की तरह, बट खैर बहुत ज्यादा टाइट है क्योंकि गाड़ी यार न्यूट्रल पे है ठीक है। तो पहला गियर पर डालते हैं। ओके यार ये गाड़ी का मजाक नहीं करूंगा, साउंड बहुत ही यूनिक नहीं लग रहा आप लोगों को यार? मेरे को तो ऐसा फील आ रहा है कि मैं बैटमैन का गाड़ी चला रहा हूं भाई। ओके चौथा गियर लेट्स गो यार, ऊपर जाना ना मुझे, मैं कहां, ओ भाई इसके तो लग गया भाई, मैं इधर मोड़ रहा था गाड़ी उधर कैसे मुड़ गई, गाड़ी के टायर में पानी को झेलने वाला वो नहीं लगा हुआ है, ट्रैक टायर है ना, पानी में नहीं चलती है ये गाड़ी, पानी के ट्रैक पे चलाने के लिए नहीं बनी है। चलो खैर यहाँ पे आ गया, सुबह सुबह का वक्त है, लेट्स सी 0 to 100 कितना टाइम लगता है और कितना टॉप स्पीड है पकड़ती है ठीक है। ये गाड़ी स्टॉप है 1 2 3 लेट्स गो, टॉप स्पीड देखते हैं कितना गया। ये दूसरा गियर में 166, तीसरा पहला गियर में 100 था मैं दिखाया नहीं बट मैं बता रहा, तीसरा गियर में 225, चौथा गियर में आराम से ये जाएगी 490 नहीं 486 कह लो 286 एंड पांचवा गियर, अब मेरे को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा एंड अब देरी है ये 340। ओके एंड रोड भी पतला हो गया छठवा गियर, ये अपन फुल नहीं पकड़ पाएंगे नामुमकिन, नहीं नहीं हो पाया, शिट भाई पांचवा लगाओ, जंप करते हैं जंप मारते हैं, रुक जाओ। ओके लेट्स गो,
पलट गई भाई। इतनी महंगी गाड़ी, 20 मिलियन की कार, एंड ऐसा भी नहीं है यार मैंने इसको 20 मिलियन में खरीदा है। तो ये गाड़ी 20 मिलियन की है नहीं, आप लोग कुछ दिन बाद की वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगा ये गाड़ी का रेट 20 मिलियन से 50 मिलियन हो जाएगा। क्योंकि देखो ये गाड़ी बिकना बंद हो जाएगी। कोई कोई मैं जैसे एक गाड़ी खरीदा ना, बहुत लोग होंगे जिन लोग ना 10-20 गाड़ी ऐसी खरीद लेंगे, और जब इसकी शॉर्टेज हो जाएगी ना मार्केट में कि भाई अस्टन मार्टिन ये वाली बहुत कम लोगों के पास है, रेयर हो जाएगी, तब उन लोग अपने खुद का ऐसा एक बेचेंगे कि भाई मेरे पास गाड़ी है, मेरे से खरीदना है तो खरीदो, मैं एक गाड़ी को 50 मिलियन में दूंगा, और ऐसे महंगे में बेच करके बहुत सारा पैसा कमाएंगे। गेम के अंदर सच में ऐसा होता है भाई, बिजनेस है ब्रो। बट खैर बाकी की गाड़ी की टॉप स्पीड अब देखते हैं कितनी जाती है। अंदर से तो बहुत मुश्किल है, रिवाइंड लो गाइस 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 सॉरी यार बहुत गंदा ठोका हूं भाई, उसकी गाड़ी तो डिवाइडर में घुस गई वो देखो। ओके इधर से निकालते हैं साइड से। ओके गाड़ी ड्रिफ्ट भी कर रही है लेकिन चल भी सही रही है। ओके लेट्स गो, थोड़ा और दे दे यार। 370 भाई, हम लोगों को जेस्को का रिकॉर्ड तोड़ना है। एटलीस्ट अभी 420 देगी तब कुछ मैं कह पाऊंगा कि लाइक हो पाएगा। 400 तो देगी आराम से यार। ओके दे दे भाई 377, 378, 380। ओके 380 टच है, थोड़ा सा उम्मीद है, थोड़ा सा उम्मीद है मुझे कि ये जेस्को को हरा पाएगी, थोड़ा सा लाइक 2% का उम्मीद है मुझे बस 2% का। ओके लेट्स गो, आप लोगों को क्या लगता है यार, व्हाट यू गाइस थिंक यार, आप लोगों को क्या लगता है ये गाड़ी शिट मुझे लगा था मैं निकाल लूंगा यार, बट खैर कोई बात नहीं यार। 420 के स्पीड में अगर कोई रियल कार किसी को ठोकेगी ना भाई, गाड़ी का अंचर पंचर सब ढीला हो जाएगा मजाक सेट के भाई। ओके मेरी स्पीड बहुत तगड़े से गिर गई है लेकिन ठीक है, कैप्चर कर लेंगे। 390 पकड़ ले भाई, 386 इज द हाईएस्ट यार, बस लेट्स गो भाई, बहुत हो गया। ये गाड़ी भाई बहुत, अरे सॉरी बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, बहुत ज्यादा यार। ये गाड़ी का साइज कितना छोटा है यार, मतलब रुको ये गाड़ी का साइज है ना, रुको हम लोग एक नॉर्मल गाड़ी जैसे कि ये बगल में जा रही है ना, ये एक नॉर्मल एक्सयूवी जो सबके, अगर आपके घर में कार है तो इस साइज की नेक्सॉन होगी या सिलेरियो होगी या ऐसी स्विफ्ट होगी, उस गाड़ी का साइज इतना होता है ठीक है। एंड अपन उसकी आधी, आपको सोचना है ना कि भाई इमेजिन करना है कि ये गाड़ी का हाइट कितना है। अगर आपके घर में, आपके घर के आसपास में स्विफ्ट है या अल्टो है, तो बहुत छोटी होगी, बट अगर ऐसी कोई भी क्रेटा वेरेटा है, वो देखो ऐसा BMW भी है या कुछ भी है, तो उसका हाइट का आधा, जितना तक कांच नहीं है उसका आधा हाइट की ये गाड़ी है भाई, कांच के नीचे ठीक है, इतना कम हाइट है ये गाड़ी का यार। और एक हाथ से चलाने में तो मेरी फट रही है भाई, कितना ज्यादा हार्ड है यार, ऐसे चलाने में ना बहुत मजा आता है यार एक हाथ से, लेकिन इसमें भाई ये गाड़ी नहीं चल सकती। खैर चलो इसको हम लोग थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, देन उसके बाद इस गाड़ी का फुल पोटेंशियल निकालते हैं, मॉडिफाई करके एक दो रेसेस करते हैं, फिर पता चलेगा ये गाड़ी में कितना दम है। आ जाओ यार घर चलते हैं। आइडिया वी आर होम भाई, फटाफट इसको मॉडिफाई करते हैं। साउंड आप लोगों को मैं फिर से सुना देता हूँ, गाड़ी का साउंड क्या है, देन उसके बाद आप लोग यार बात का आवाज सुनना, आप लोग पागल हो जाएगा भाई। ये न्यूट्रल है गाड़ी, आप सुनो भाई, एकदम कान सुनने वाला साउंड है ना, बहुत ज्यादा ही लाइक ऐसे टाइप का साउंड करती है। खैर हम लोग अभी टॉप टू बॉटम कंप्लीट मॉडिफाई करेंगे यार, प्रीवियस मॉडिफाई, अरे भाई गाड़ी ओबे तेरी इसमें तो कुछ लग ही नहीं रहा, बस एक छोटा सा ही लगेगा, नो रेस्ट्रिक्टर प्लेट। ओके इसमें रेस्ट्रिक्टर प्लेट लगा हुआ था, ओके जिससे इस गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी कम हो रही थी भाई, बस यही मॉडिफाई होगा इस। अच्छा अच्छा नहीं बहुत सारी चीज है यार, मैं खाली एसी को लगाया ना, प्लेटफॉर्म हैंडलिंग थोड़ा गाड़ी को, ओ भाई ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा रखो ठीक है। आई डोंट थिंक सो इस गाड़ी की स्पीड ज्यादा बढ़ने वाली है यार। ट्रांसमिशन कितना गियर का लगा दूं, 6 गियर ठीक है, 6 गियर ऑलरेडी था, बाकी ड्रिफ्ट वाला डिफरेंशियल लगाते हैं, आ जाओ ड्रिफ्ट मारेंगे इसमें। बाकी चक्के मुझे स्लिकी टायर चाहिए, ड्रैग नहीं, स्लिकी नहीं है क्या, नो टायर है, ड्रिफ्ट टायर है, ड्रैग है, ड्रैग ही बेस्ट रहता है, ये सब बेकार रहते हैं, ड्रैग इज द बेस्ट भाई। बाकी ये लगाओ, इससे थोड़ी सी स्पीड बढ़ती है, ऑफ रोडिंग वगैरह पे फायदा मिलता है। बाकी एस्टन मार्टिन का अलॉय व्हील लगा हुआ है, ओके बाकी चक्के थोड़े बड़े करते हैं, पीछे के व्हील लेट्स गो। बाकी अपन यार इसमें स्पॉइलर वगैरह नहीं लगा सकते क्या, AWD लगाओ भाई पे। ओके 11,000 खर्च हो रहा है, पहले गाड़ी की हॉर्स पावर थी 800 एंड अब हो चुकी है 1000 हॉर्स पावर की कार, मतलब कह लो पहले 390 गई थी ना, अभी 430 कुछ जाएगी, उससे ज्यादा नहीं जाएगी भाई, जेस्को की स्पीड पार करने के लिए और हॉर्स पावर है मुझे। खैर कोई बात नहीं, 11,000 ही थे, लेट्स गो। बाकी अब मॉडिफाई करते हैं, पेंट वगैरह मैं सोचा था यार ये गाड़ी बहुत ज्यादा वो होगी लेकिन थोड़ा दिक्कत है। बाकी भाई ये पेंट देखो क्या दिख रहा है ब्रो, रेनबो वाला भाई सही लग रहा है ना ये वाला, एक बार ट्राई करके देखते हैं, अच्छा तो लग रहा है मुझे भाई, थोड़ा सा पेंटिंग शेंटिंग भी अच्छा कलर रहता है ना तो लाइक अच्छा लगता है चलाने में गाड़ी यार। ओ भाई इसको तो मैं भाई यार खिलौना बना दिया, नहीं ये नहीं रहेगा, अच्छा कलर
कलर चाहिए मुझे यार। ओके, ये नियॉन वाला भी एक ऑप्शन में, ये जी वाला जो है ना थोड़ा चमक रहा है, सही लग रहा है, ये लगा सकता हूँ मैं। बाकी यार नई नई गाड़ी आई है ना, आई डोंट थिंक सो इसके ज्यादा हमें वो मिलने वाले हैं कलर वगैरह या ऑप्शंस वगैरह। भाई रेड बुल वगैरह का भी है भाई, भाई रेड एंड ब्लैक में कोई कॉम्बो? ओ भाई ये बुगाटी बोलिडो जैसे नहीं लग रही है यार, ये ब्लू एंड ब्लैक वाली, ब्लैक एंड रेड में कॉम्बो चाहिए भाई, अच्छी दिखती है। ओके ये कलर ट्राई करते हैं, थोड़ा सा लाइक सिल्वर और पर्पल टाइप का कुछ था, नया अलग ही टाइप का कलर है यार, ये कलर मैं पहली बार देख रहा हूँ। लेट्स ट्राई इट भाई, देखते हैं कैसे दिखे भाई। वैसे भी पेंट करना फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके लुक ग्रेट यार, अच्छी लग रही है, मजाक सेट के पूरी सिल्वर कलर, सिल्वर हो गई है गाड़ी। ओके प्यारी लग रही है भाई, एक बार आ जाओ रोड पे निकाल के देखते हैं, एंड अब साउंड सुन के देखते हैं मॉडिफिकेशन के बाद। भाई क्या लग रही है यार, ठीक है क्या कि मेरे को उतनी मतलब थोड़ा सा ना फीकापन महसूस हो रहा है ऑल ब्लैक में थोड़ा। तेरी न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल, अब सुनो साउंड भाई, पहले से ज्यादा साउंड मेरे को फील हो रहा है, रिवर्स गियर लो, पहले से ज्यादा लाउड हो गई है गाड़ी। हाँ अरे न्यूट्रल, अब सुनो भाई साहब, मेरे को इसमें एंटी लैग लगाने का मन कर रहा है यार, लाइक ये फटाका अटाका फोड़े, लेकिन एंटी लैग इसमें नहीं लगने वाली, रुको थोड़ा सा मुझे और मॉडिफाई करना है इसे। कलर भाई कलर मजा नहीं आ रहा, आ जाओ वापस आओ। ये ट्राई करें क्या ब्रो, ब्लैक एंड रेड भाई, ये थोड़ी अच्छी लग रही है यार। देखो इस टाइप की गाड़ी ना ब्लैक डार्क थीम में अच्छी लगती है, थोड़ा बैटमैन वाला फील आता है ना तब मजा। ओके आ जाओ, इस बार थोड़ा आई गेस मुझे पसंद आएगा। ओके ब्लैक एंड रेड के लुक में ये देखो कि लाइक पहला वाला अच्छा था, आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, इस हिसाब से रखूंगा मैं, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये भी अच्छा लग रहा है मुझे एंड वो भी अच्छा लग रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा गाड़ी ड्रिफ्ट वाले मोड पे है, हल्का सा ड्रिफ्ट मिलेगा हमें। ये देखो पहले से बेटर, पहले से हल्का सा ज्यादा ड्रिफ्ट मिलेगा, बट ट्राई करते हैं आज। ओके लेट्स सी, गाड़ी रिवर्स फर्स्ट गियर एंड अब दे रही है ना भाई ड्रिफ्ट। ओके आराम से कुछ ज्यादा ही पावर मिल गई है भाई गाड़ी को, मैंने वो लगा दिया ना इसमें नो रेस्ट्रिक्शन भाई, अब गाड़ी यार अपना फुल पोटेंशियल दे रही है। दूसरा गियर चल भाई, यार बहुत मुश्किल है यार इस पे ड्रिफ्ट मारना, बहुत ज्यादा गाड़ी की बैंड बच रही है भाई, देख रहे हो ड्रिफ्ट ट्रैक का आ रहा है ना गाइस, ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक यार। एक बार ट्राई करते हैं कितनी पकड़ती है। ओ भाई अच्छी गाड़ी है, चलाने में बहुत सही है, बहुत ही ज्यादा सही है, मजाक से हट के ये गाड़ी ऐसे ऐसे ट्रैक में नहीं चलती यार, फिर भी इसको चलाने में वाइब तो आ रहा है भाई बड़ा गंदा। ओके लेट्स गो। ओके ठीक है यार, स्पीड बस स्पीड की दिक्कत है, कितनी देगी देखते हैं। आ जाओ मोड़ भाई, फिर से मोड़, ठीक है चलो। खैर मैप खोलो भाई, मुझे जाना है सर्कल, यहाँ पे एक रेस लगाते हैं। एंड भाई साहब आप मानोगे या ना मानोगे यार, ये गाड़ी दुनिया में कुछ ही लोगों के पास है रियल लाइफ में, अगर आप मैं आपको बताऊं गिन चुन के, ठीक है गिन चुन के दो से तीन लोगों के पास होगा, और एक तो भाई कार की कंपनी वाले के पास होगा एज अ मॉडल की तरह, ठीक है उसको तो गिनेंगे भी नहीं क्योंकि म्यूजियम में रखाएगा एस्टन मार्टिन का। बट ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है एंड इस गेम में भी नहीं आई है, तो मुझे लगा था यार ये गाड़ी बहुत ज्यादा धांसू होगी, लेकिन है धांसू है कोई शक नहीं है, लेकिन यार जेस्को को अभी भी यार कोई गाड़ी आई नहीं है जो जेस्को को बोल सके कि भाई मैं तेरा पापा हूँ, ठीक है अभी तो भाई जेस्को सबका पापा है। रिवर्स लो यार भाई, ये गाड़ी कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल है भाई। ओके आराम से ड्रिफ्ट, पहला गियर लेट्स गो, इसको सीखना पड़ेगा बताया थोड़ा सा। चौथा पांचवा, एक तो साउंड भाई ज़ूम 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 फुल भाई पूरा, बट खैर थोड़ा ऑफ रोडिंग करते हुए हम भी आ चुके हैं ट्रैक पे, एंड लेट्स सी कि भाई साहब यहाँ क्या होने वाला है। लेट्स गो सोलो ड्राइव करेंगे, आ जाओ यार पोर्शे का कौन सा रेस होने वाला है भाई, बट पोर्शे और शनी अपन चलाने वाले हैं यहाँ पे एस्टन मार्टिन वल्काई AMR, ठीक है। तो यार ये अपनी गाड़ी का लुक है जो कि बहुत ही ज्यादा ही कुछ ज्यादा ही कैड़ा लग रहा है मुझे यार, मैंने निंजा वाला मूव क्यों हो रहा है भाई। ऑलराइट गाइस वेलकम टू द रेस, एंड हम लोग यहाँ पे हैं अपनी एस्टन मार्टिन। ओ भाई लैम्बोर्गिनी सेंजा भी आई। ओके पहला गियर लगाओ, दूसरा तीसरा चौथा, भाई साहब यार बगानी आगानी, अबे तेरी लैम्बोर्गिनी वो भी आई है भाई। ओके ठीक है पोर्शे मर्सिडीज AMG पार, अबे चेक पॉइंट कैसे छूट गया। अरे अरे रिवाइंड किससे होता है भाई, ये क्या था मैं फिर से चालू कर रहा हूं, रिवाइंड ही नहीं हुआ भाई गेम में यार। लेट्स गो भाई वंस अगेन यार, फिर से ट्रैक पे पहला गियर लगा के इस बार। ओके दूसरा तीसरा, भाई मैं शिफ्टर यूज कर रहा हूं यार। ओके भाई इसमें देखो कैसे यार कितना मुश्किल है भाई ऐसे गाड़ी चलाना। ओके ठीक है लेकिन फाड़ेंगे, रिमैक भी है भाई, इलेक्ट्रिक गाड़ी भी है, ये देखो यार जो थर्ड थी ना, ओबे तेरी भाई ठीक है एक गियर डाउन लेट्स गो। फरारी सबसे आगे, कौन सी फरारी है गाइस कमेंट सेक्शन में बताओ, मान जाऊंगा आप लोग रियल कार लेवल हो यार,
इतना दूर से देख के बता दो यार कौन सी फरारी होगी वो। ओके बाकी यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मैं अब थर्ड ही आने वाला हूँ। ओके ओके चांसेस आ रहा भाई मेरे को पकड़ना पड़ेगा फरारी को। ओके हट जा फरारी, लेट्स गो भाई। दो दो फरारी है भाई, मतलब फरारी ने ही ओवरटेक। अबे 7 गियर क्यों ये गाड़ी। ओके अबे तेरी 10 गियर कहाँ से खुल के गाड़ी में यार। मैं भाई 6 गियर डाल के लाया हूँ गाड़ी में, 10 गियर क्यों दिखा रहे हैं यहाँ पे भाई। मैं गाड़ी का ऑटोमेटिक पावर अनलॉक हो गया क्या भाई। ओके भाई ओके यार एक और मिशन कंप्लीट होता हुआ, लेट्स गो ड्रिफ्टिंग तो बनता है यार, आखिरी लैप है। एंड हियर इज द फिनिश पॉइंट गाइस एंड वी वन द ड्रैग, लेट्स गो। जीत चुके हैं भाई, काफी तगड़ा रेस था यार। हरा सकता है क्या कोई मुझे, मतलब कोई हरा सकता है यार, भले कोई भी गाड़ी चला लूं भाई, मतलब जीतूंगा तो मैं यार। लेट्स गो यार, काफी अच्छा रेस था, वी वन द ड्रैग। एंड चलते हैं गाइस यार एक और ऐसी धमाकेदार रेस में। ये तो ट्रेलर था भाई, और पैसे ही मिलेंगे भाई कुछ यार, चिल्लर विल्लर बट ठीक है। चिल्लर को छोड़ो, अपन तो टेलीपोर्टेशन मार के जा सकते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रेट रेस होने वाला है ना, आ जाओ भाई यहीं सीधा टेलीपोर्ट मारते हैं और यहाँ की रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत भी तेरी गाड़ी का क्या बॉडी है यार, क्या ही बॉडी है भाई, एकदम कर्वेचर वाला बॉडी है यार। यहाँ पे रेस होने वाला है जूनास रेस, लेट्स गो। 8 किलोमीटर का रेस है भाई, 8 किलोमीटर ठीक है। मर्सिडीज चलाने बोल रहा है लेकिन अपन ये वेल्का ही चलाएंगे, अस्टन मार्टिन की। लेट्स गो यार, इलेक्ट्रिक कार नहीं है इसलिए मैं इसका ज्यादा बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ ना। इलेक्ट्रिक होती ना भाई मैं तो इस गाड़ी का वीडियो भी नहीं बता। बट खैर ये गाड़ी नहीं आई है बोल के यार बनाना पड़ रहा है, बट ठीक है। आ जाओ ओ भाई, फिर से फरारी आई है भाई, आ जाओ यार आ जाओ, डरते हैं क्या ब्रो। ऑलराइट गाइस यार, वेलकम टू द ड्रैग रेस एंड हम लोग अभी चलाने वाले हैं। लेट्स गो भाई, मैं पीछे कैसे हो गया यार, मैं बहुत गलत बैठा हूं, इसको सीधा करो। लेट्स गो भाई, लिटरली यार मैं इतना गलत बैठा था। ओके ठीक है, चौथा पांचवा, लेट्स गो भाई। बुगाटी को पीछे करना है मुझे, छठवा गियर तो लग गया। बुगाटी डीवो क्या भगा रहे है भाई, डैम ब्रो सारी गाड़ियां क्या भगा रही है भाई। ओके कोई बात नहीं, छठवा गियर, लेट्स गो भाई। सारी गाड़ियां ऑन ट्रैक है लेकिन सबसे आगे चल रही है लैम्बोर्गिनी सेंजा, जिसको किसी ने ओवरटेक किया भाई। बुगाटी डीवो सबसे आगे चल रही है, सबसे आगे बुगाटी है, फिर लैम्बोर्गिनी है, फिर फरारी है, फिर मेरी अस्टन मार्टिन है। एंड कोई साइड ही नहीं दे रहा, देख रहे हो बहुत चालू लोग हैं यार। ओके पांचवा लगाओ भाई, ए तेरी यार बुगाटी ठुक गई, बुगाटी ठुक गई। दूसरा गियर, तीसरा, चौथा, लेट्स गो। अब चलाते हैं अपन आगे भाई, लेट्स गो यार ड्रिफ्ट मारते हुए। एंड यार ये क्यों भाई क्यों, आराम से चलना फरारी, क्या दिक्कत है। देखा नहीं बुगाटी की हालत क्या हुआ, आगे निकलने या कोशिश करोगे तो मार खाओगे। ओके आराम से, ओ तीसरा गियर, चौथा प्यार से, चौथा गियर में लेकर के आराम से, पांचवा, छठवा, लेट्स गो गाइस यार। ओके ओके भाई भाई गाड़ी इतनी खतरनाक है ब्रो। ओके हल्का सा ड्रिफ्ट लू क्या, तीसरा लेते हैं, चौथा, पांचवा, हल्का सा ड्रिफ्ट, लेट्स गो। नहीं यार पांचवा गियर लगाओ, छठवा, स्ट्रेट रोड है, चौथा गियर, लेट्स गो भाई। यार मैं गियर में मास्टरी करती हूँ। ओके वो लोग कह रहे हैं सब पीछे हैं, नहीं 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 द ट्रैक्स, अभी बैलेंस मत को भाई भाई। खैर खैर गाइस रिवाइंड किया जाए थोड़ा सा, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी मेरी गलती हो गई थी, गलत टाइम पे गलत वो दे दिया था मैंने यार गियर, थोड़ा सा रिवाइंड बनता है। ओके इतना ठीक है, लेट्स गो। ओके थोड़ा सा ड्रिफ्ट, परफेक्ट, गियर डाउन, पाँचवा यार मेन ना गियर, मेरा स्पीडोमीटर ना उधर लिखा है जहाँ पे मेरा कैमरा है ठीक है, तो मैं थोड़ा ना देखने में दिक्कत होता है मुझे। अबे तेरी भाई तुम लोग क्यों ढोक रहे। ओके रिवाइंड लेना पड़ेगा, यहाँ से मुड़ ले ऐसा प्यार से भाई, ले भाई पहला गियर, दूसरा, ओ दे भाई वो गाड़ी आगे निकल गई ठीक है, चौथा मेरे से आ गया भाई, इसकी तो फट गई लग रहा है यार। कोई कौन निकले, कोई निकलेगा आगे मेरे से, आ जाओ बेटा किसमें कितना है दम, लेट्स सी कौन है असली सिंघम भाई, आ जाओ। ओ भाई फरारी मौके पे चौका मार रही है, क्या बीच है मेरे से वापस आ गया, वापस आ गया, लेट्स गो। छठवा गियर, सातवा गियर, एंड ही इज द फिनिश पॉइंट, सो आई कैन स्लीप आराम से भाई, मैं सो जाता हूँ। एंड यहाँ पे अपन ये रेस काफी इजीली जीत चुके हैं फर्स्ट पोजीशन में, बहुत ज्यादा लंबा रेस था आई नो भाई, कुछ ज्यादा यार ऊपर नीचे भाई, लेकिन खैर एक रेस मुझे इस गाड़ी में एक और ट्राई करनी है, बिकॉज अभी हम लोगों को अच्छे से इस गाड़ी की काबिलियत नहीं पता है ठीक है। बाकी यार रोड पे कैसे चलती है भाई, अभी आगे ये दूसरा गियर, तीसरा, आराम से चल ले भाई, ये गाड़ी इतनी खतरनाक क्यों है ब्रो, कंट्रोल में रहना भाई,
ओके चौथा पांचवा मैप खोलो यार, रुको मैप खोलो। मेरे को एक गाड़ी में अब ट्राई करना है ड्रिफ्ट। अपन इधर टेलीपोर्ट लेते हैं, यहाँ पे सर्कल है ना, कहाँ पे सर्कल था अपना, हाँ यहाँ पे रहता ना भाई सर्कल, इसमें अपन ड्रिफ्ट मारते हैं। आ जा, ये होराइजन होराइजन नहीं करना भाई, मुझे यहाँ पे मार दिया ड्रिफ्ट, ठीक है आई गेस हो जाएगा यार, रुको ट्राई करते हैं, लेट्स गो भाई, ड्रिफ्ट ले रही है भाई। ओके ओके एक और ट्राई, ओ भाई क्या खतरनाक ड्रिफ्ट हो रहा है। ओके तीसरा गियर, हैंड ब्रेक भाई, ट्रैक गाड़ी में मैं ड्रिफ्ट मार रहा हूँ ब्रो, ये गाड़ी ड्रिफ्ट के लिए नहीं बनी है भाई, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है तभी भाई मैं इतना तगड़ा ड्रिफ्ट मार रहा हूँ, बिना ट्रैक्शन कंट्रोल के ड्रिफ्ट मारना बहुत मुश्किल होता है, एंड मैं इतना तगड़ा ड्रिफ्ट मार रहा हूँ ये देखो भाई साहब। एक और चल 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 भाई, गाड़ी की हालत खराब है, टायर ना बेंड हो जाए। ओके लेट्स गो, वो भी तीसरा गियर में। ओके ठीक है, और घूम और घूम, हैंड ब्रेक, लेट्स गो लेट्स गो विद, ये सबसे बेस्ट था यार आखिरी वाला यार, बहुत लंबा खींचा था मैं, इस बार ट्राई करते हैं। ओके ये देखो भाई, स्टीयरिंग वापस हाथ में आता है, वो मेरे को क्या सही लगता है यार, ये देखो यार मैं मोड़ रहा हूँ ना, आ शिट यार, सुपरा में एकदम परफेक्टली होता है भाई, एक टक एक चक्कर टक गया क्या सामने वाला। ओके शिट 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 शिट, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ओके अब देखना मेरे हाथ को देखना, ये देखो क्या मस्त स्टीयरिंग हाथ में आता है यार, ये बहुत सही लगता है भाई मुझे यार करने में यार, सेटिस्फाइंग मोमेंट भाई। रुको एक और फिर ट्राई करते हैं, ड्रिफ्ट किस किस को पसंद है गाइस मुझे कमेंट में बताना। ओके चल 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 थोड़ा सा और, नहीं यार अब नहीं कर रही, तीसरा पे करती है सही, लेट्स गो भाई साहब, ड्रिफ्ट ले, थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, डैम ब्रो यार ये गाड़ी तो ड्रिफ्ट मशीन बन गई है भाई, टायर थोड़े से घिस गया ना मैंने रेस करा करके, अब गाड़ी ड्रिफ्ट कर रही है, देखो स्टीयरिंग देख रहे हो। एक और भाई 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 भाई, कितना लंबा लंबा कट मार रही है यार। ओके लेट्स गो, खैर खैर गाइस गाइस गाड़ी बॉस ने ड्रिफ्ट मार रही है, चलो कोई ड्रिफ्ट रेस में चले क्या, जहाँ पे ड्रिफ्ट वगैरह मारती हूँ जैसे हम लोगों ने यहाँ पे मारा बहुत सारा, चलो चलते हैं। ऑलराइट गाइस यार बैक ऑन द ट्रैक, एंड हियर इज आवर ब्यूटीफुल कोनी सेग जेस्को, आपको इसका साउंड सुनना है ना भाई, ये सुनो यार रुको, न्यूट्रल है अब साउंड सुनो, डैम ब्रो न्यूट्रल में हम लोग जितना थ्रॉटल देते हैं गाड़ी पीछे क्यों आती है भाई, बट खैर गाड़ी में बहुत ज्यादा दम है यार, बट खैर ये गाड़ी को मैंने यार अभी मुझे याद आया मैंने थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया है, जिसकी वजह से ये गाड़ी आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत देती हुई मिलेगी लाइक अ ड्रिफ्ट। मैं इस पे ना ऐसा कुछ बनाना चाह रहा हूँ ना कि गाड़ी ड्रिफ्ट भी दे और भागे भी, ठीक है मतलब ऐसा, ठीक है ये कुछ ज्यादा ही ट्रैक्शन कंट्रोल ऑल है, रुको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करो यार, अपन मैनुअल अपन डिफिकल्ट लेवल 100 में खेलते हैं भाई, रुक जाओ यार। अब देखो ऐसा ये मैंने इसको ऐसा मॉडिफाई करना चाहिए कि भाई ये ड्रिफ्ट मारते मारते लाइक बहुत तगड़ा रेस दे, ठीक है इसको मैं वैसा बनाना चाहता हूँ, तो यार इसको मैं अभी मॉडिफाई कर ही रहा हूँ, तो यार मैं भूल गया था, बट खैर इसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे एक स्पेशल वीडियो के लिए, जो वीडियो बहुत जल्द आने वाली है क्योंकि एक ड्रिफ्ट वाली रेस होने वाली है। तो या गाइस यार हम लोग आज जेस्को के साथ इसका एक ड्रैग वगैरह लगा नहीं सकते, यही वाली बात है, बाकी खैर आज की वीडियो में इतना ही, होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाकी ये रही कोनी से जेस्को जो कि है लाइटनिंग क्वीन कचाओ कचाओ एडिशन, ठीक है तो यार लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना, एंड इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाकी यार लाइटनिंग क्वीन के फैन हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, कमेंट करना अपनी फेवरेट गाड़ी का नाम, बाकी नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हो वो भी बताओ, बाकी कोई नया गेम है आपके नजर में तो वो भी बताओ, बाकी क्या करूं मैं अगली वीडियो में वो सब चीज बताओ, जो चाहते हो वो बताओ, ठीक है बाकी मिलते हैं अगले वीडियो पे यार, स्क्रीन में फोर्सा होराइज़न का प्लेलिस्ट है, बाकी अगर आपको यूट्यूब पे जो भी वीडियो देखनी है, जो भी कार की लैम्बोर्गिनी फरारी जो भी उस गाड़ी का नाम लिखो, डट्रेस गेमिंग का नाम लिखो, आई मीन मेरा, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, आप जो चाहे वो वीडियो देख सकते हो यार, हर एक कार है, हर एक कार इवन बाइक के ऊपर भी मैंने बनाई है तो सब मिलेगा, बाकी यार फोर्सा की प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो, स्क्रीन में दो तीन और वीडियो जाके देख सकते हो, बाकी मिलता हूं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, चाचा लव यू ऑल एंड पीस आउट।